हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? भाई मुझे पता आप लोग मेरे को मिस कर रहे होंगे। भाई मेरे को भी तुम सबकी बहुत याद आई, मैंने एक दिन व्लॉग नहीं डाला। भाई मैं कंटिन्यू रहूंगा, चाहे कुछ भी हो भाई, कोई साथ रहे ना रहे, अपने दो चार भाई तो है ही भाई, बस ऐसी सपोर्ट करते रहो। और ये भाई का तो पता होगा जो पागल सांड की तरह भाग रहा। ये देखो, ये था रिजल्ट वहां का। 5 दिन हो गए मैं ना, 5 दिन, 5 दिन हो गए भाई। भाई के पैर का मांस ही फट गया वहां पे, पता नहीं कहां स्प्रिंग में बढ़ गया था। तो भाई अब आ रहा हमारा शूटर, आ गया अपना नहा धो के। ये देखो गेट नहीं खुल रहा इससे। भाई आज भी ऐसा था भाई, हमारा प्लान ना सुबह ही बन चुका था, फिर हमारे जो एक दो भाई है ना भाई, वो ऑन द स्पॉट गोलीबाजी करते थे। अंकल क्या हाल है भाई, ऑन द स्पॉट गोलीबाजी कर देते हैं, फिर अब गाड़ी उठा के लाए हुए हैं, अब जा रहा हूँ, वरना मैं निकलना था सुबह ही था। देखो सुबह से तैयार व्यार होके बैठे हैं भाई, बढ़िया। ये तो बेचारा सो गया था, इसको जबरदस्ती उठा के लाए, उसके पैर में चोट लग रही थी। तो अब जाते हैं, एसी तेज करते हैं। लो भाई, भाई एसी तेज करूँ, कॉपीराइट आ जाएगा एसी की आवाज का। तो भाई अब जाते हैं कहीं घूमने, अभी नहीं बताऊंगा, फिर आप लोग कहते हो कि पहली बता देता है ना भाई, धीरे धीरे सीख जाऊंगा यार। आपकी सोच से परे कि इतनी जल्दी भाई हम इतनी जल्दी हिल स्टेशन पहुंच जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। अभी देखना तुम पागल हो जाओगे लोकेशन देख के। पागल तो नहीं, खैर भाई बहुत लोगों ने देख रखी होगी, पर हम मिनटों के हिसाब से पहाड़ों में पहुंचने वाले हैं। भाई अब निकल चुके हैं हम, क्यों बताया कहाँ निकले हैं भाई। भाई आज फिर गलती से ना उसी रोड पे फंस गए हम। आज तो खैर इस थोड़ी सी जगह पे तो जाम नहीं है, पर आगे जरूर मिलेगा। टाइमिंग को नहीं है भाई, ये सदर बाजार वाला रोड है ना, आफत है आफत भाई साहब। जो ओल्ड गुड़गांव में रहते हैं ना, हाय पूछो ही मत भाई। ये भाई अपने लोग की भाई का सारा एरिया फुल बढ़िया बातचीत है, इनकी पार्किंग वार्किंग सारी है, दुकानें दुकान अच्छा। ये भाई ये मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। हाँ क्या हो गया क्या नहीं भाई। भाई बस ये मेरी धन्नो थोड़े दिन की मेहमान है, जल्दी कोई दूसरी नई गाड़ी आ जाएगी। टेम्पू ले लेता हूँ यार एक। अरे भाई टेम्पू में मच्छर मारने वाले यार। अबे यार भाई इतना तगड़ा धुआं आ रहा था, मुझे लगा कोई आग वाग लगी, मैंने कहा जाके देखता हूँ मच्छर मारने वाले घूर। अबे यार क्या पोपट हो गया यार, अभी दिखाता हूँ आपको मच्छर मारने वाले। भाई ये पार्किंग जो है ना, हरीश बेकरी वाली जो अपने भाइयों की है, हम आपको यहीं मिलेंगे। हम मिले ना मिले, पर ये भाई जरूर मिलेगा तुम्हें यहाँ बैठा हुआ। अरे यार मच्छर मारने वाले भी नहीं है, मच्छर मारने वाले भी नहीं। तू यार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है यार, देखना कूड़े में आग लग रही है यार, ऐसा लग रहा पता ना क्या ही होगा। मेरे को क्या पता गाड़ी कूड़ी चली जाएगी, किसी गाड़ी में आग लग गई। शुक्र गाड़ी में लगी, किसी उसमें नहीं लगी। उसमें तो वैसे मेरे ख्याल से भाई कईयों के में लगी रही है। ये देखो अंकल कितनी गंदी थूके फेंक रहा था, मीज ही नहीं है इनको, प्रेस कवर लगा रखा निशान, एडजस्ट ही लोअर लिख रखा। देखिए भाई पता क्या होता है, मेरे को सबसे ज्यादा दुख जब होता है जब मेरे भाई चुप बैठ रहे थे। अब तेरे को क्या होगा, तू भी चुप बैठा है क्यों, क्या होगा, किसने कर दिया मूड खराब तेरा? ओए तू चूतिया गाली दे रहा है। सॉरी भाई हिसाब बराबर हो गया, ऐसे गाली नहीं देते यार। चूतिया तो एक फीलिंग है यार, है ना, बताओ सही बताओ, कमेंट में जरूर बताना। वो भाई गुस्सा है, गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका। इसी सुनो बुड्ढे की पैर देखना इसका। बेचारा भाई इसके साथ ना यही सीन होता है, जब जब हम ट्रैम्पोलिन गए ना, जब जब इसका पैर टूटा, पिछली बार तो कमर तोड़वा के आया था ना, पिछली बार क्या हुआ था, हाथ बैंड हो गया था भाई, बताओ किस्मत ही खराब है बेचारे की। भाई कोई सेटिंग हो ना इसकी करवा। अरे बैंड है यार, कोई बूढ़ी हो, ओए नहीं। हाँ भाई अपना है 55 ओ सॉरी 45 साल का भाई है अपना। हाँ बैंड चो पेंशन बन रही है मेरी, है ना। तुम तो दादे रोग मेरे को मास हटा है सबका। ये देखना ऊपर भाई, बढ़िया अपना यही लेट जाएगा बताइयो।
तो भाई अब हम आ चुके हैं अटल टनल में। तो भाई अब हम आ चुके हैं अटल टनल में, अब हम जा रहे हैं यहाँ से मनाली। अटल टनल ही है ना। लोग की वाली आदत होती जा रही है हमें बातें बोल के ना, वर्ड्स की बोलते हैं हमसे। अब लोग ही नहीं बोलता था, कह रहा भाई मैं खान पीने का ठंडा पानी लेने जा रहा हूँ। हाँ फिर से कह रहा भाई रुक रुक मैं खान पीने का ठंडा पानी लेने जा रहा हूँ। मेरा क्या बोल रहा है। कई बार बोल देता है कई बार। भाई मनाली के यहाँ पे बढ़िया फल फ्रूट करिए तुम कुछ डाल देना। खुद भी कह रहे डाल देना कितना प्यारा वाओ करा। देखना रोड पे रील बना रहे थे, चैन ही ना इन्हें। तो भाई हम अपने लोग की भाई के झूले का टेंडर देखना। झूले का टेंडर देखना है भाई, मैं तो वेट कर रहा हूँ बस ये बार ओपन हो जाए भाई। तमाशे क्या होते हैं हम दिखाएंगे भाई। ये भी हाथ जोड़ लेते थे हमारे, कह रहे भाई अब बस करो यार भाई, किसी को नहीं बख्शते हम यहाँ पे, कोई झूला हो कुछ हो भाई एक नंबर मजा आ जाएगा। बस 5-7 दिन की और बात है, इसका बंदा कहें कोई खड़ा है पूछो क्या भाई कब खोलोगे ये झूले बोले भाई। मात्र मेरे को लग रहा है 5-7 दिन में और खुल जाएगा, नहीं जल्दी खुल जाएगा। देख झूला का सेटअप हो गया भाई, ये झूला ना, ये झूला कच्चे वाला भाई, ये इतना गंदा झूला है ना। ये बार पता है पिछली बार एक हमारे पीछे कोई बैठा था, साड़े ने उल्टी कर दी थी कंधे पे हमारे, तेरी कसम भाई। साहिल शरावत के कंधे पे उल्टी कर दी थी उसने। अरे साहिल उसको उठा रहा उल्टी को पूरी हूँ, हाथ में ले घूम रहा उसकी उल्टी को, पिएगा उसकी उल्टी तू। क्या क्या बोल गया भाई, बर्ड्स हमारे को एक्सपोर्ट दे रहे थे। क्या था लो जी, बर्ड्स हमारे को एक्सपोर्ट दे रहे थे, एस्कोर्ट दे रहे थे पागल, एस्कोर्ट। ओहो भारत सरकार के देखे, भारत सरकार के। ओहो भारत सरकार, भारत सरकार। ये वही भाई जिसका वोटर कार्ड नहीं बन रहा सरकार था, साड़ी अपनी है वो भी। वो भी अपनी वायरल होगी बढ़िया भाई, ऐसी प्यार दिखाता रहो व्लॉग में, दिखा दो प्यार, मजा आ जाएगा भाई मजा। ऐसी गाड़ी में घूमता रहेगा तुम्हारा भाई, जहाँ कहोगे वहीं आ जाएगा तुम्हें मिलने। और हाँ भाई मिलते रहा करो, अच्छा भी लगता है यार। खाली खाली शायद थोड़ी एक आधी रील रूल बना लेते हैं यार, तैयार त्यूर ऐसे हो रखे हैं हमारे आधे ज्यादा बंदे तो है ही गोलीबाज, अब तैयार हो गए हैं तो बना ही लेते हैं एक दो रील। आलोक की हम दोनों बनाएंगे आज। तो भाई अब आए थे रील बनाने, रील वील बना ली, तो बाकी हमारा स्मार्ट बॉय। अब तुम्हें एक लंगड़ा घोड़ा दिखाते हैं। कैसा लगा भाई आपको? भाई बढ़िया। रहन देना। आहा एक नंबर हवा चल रही है भाई, यहाँ आके ना सुकून मिलता है भाई। जाना तो आज कहीं और था, अब कल सुबह जाएंगे कहीं और, कल तुम्हें दिखाएंगे पहाड़ नज़ारे एक नंबर के, समझ लो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं घूमने कल भाई हम। मैं लोकी गग्गू और एक तो भाई हो रहा है, और लोकी की 3-4 सेटिंग जिनको हम टिक्की में जबरदस्ती भर के लेके जाएंगे। अरे एक आधे को भाई ऊपर बांधेंगे, ये भाई पूछते ना कि क्यों लगवा रखा है ये भाई, हम बंदे बांध के ले जाते हैं ऊपर। आ गाड़ी का रिव्यू करें, सी दिस इज अलॉय, दिस इज अलॉय, दिस इज पेड़, दिस इज लंगड़ा घोड़ा, एग्जिट है बहुत चौड़ा। भाई एक दो दिन में ना गाड़ियों का रिव्यू करूँगा भाई, अपने सब भाइयों को बोल दिया जैसे जैसे सब फ्री होंगे ना, तो अपने सर्कल में भाई स्पोर्ट्स कार भी है बाइक भी है भाई, तो अब हर गाड़ियों का अगर आप लोग ने भी भाई रिव्यू करवाना ना अपनी गाड़ी का, तो आप मेरे को DM कर देना, जो भाई गुड़गांव का हो ना अपने यहीं कहीं मिल लेंगे और रिव्यू कर देंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भाई। सारे भाई मोज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। क्या है
भाई अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे सोनिया अरोड़ा को देखा ना, तो हमारा भाई आपको उसकी एक्टिंग करके दिखाएगा। ओए मकड़ी मकड़ी यार वो मक्खी बाहर निकल, करियो यार एक बार। क्या कहती है? सुती पाई उठिया खिटी पाई भाई किसी को सोनिया पसंद हो तो भाई से भाई से भाई से भाई से भाई मेरी लाइफ में तो एक दो बार आई है। सही है ना दीपक कलाल तो यार अपना भाई है की मौसी का छोरा। देखो भाई आ गए भाई गोलीबाज बंदे, सुबह सुबह तैयार करवा के सो गए। मान जाना टिश्यू का साढ़े मैगडीम बैठा है। बाबू कैसे लगा वहां पागल सांड की तरह भाग के? ऐसा 5 दिन से पाई जो मैडम चला गया, ट्रैम्पोलिन ने चक मार दिया इसके पैर भाई अब बना रहे अपनी पेंडिंग रील। गोलीबाज भाई आ चुके हैं हमारे। भाई मेरा तो 9 इंच का है, इसका भाई का 7 छोटा ओ सॉरी मेरा 9 नंबर है, इस भाई का 12 नंबर है। सबसे बड़ा साहिल भाई का है, जैसे तुमने पिछले व्लॉग में देखा होगा। इस भाई का तो थोड़ा फ्रैक्चर हुआ बड़ा साइज इसका मुड़ गया इसका बैंड हो गया, ज्यादा बैंड हो गया इसका। इसका सबसे वो है सही, मतलब क्या नंबर है तेरा? 7 इंच। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना भाई? कहीं और मत लेना कहीं और क्या ना लेना, पागल है क्या बोल भाई? ब्लॉग में ऐसी गंदी बातें नहीं चलेंगी, मेरा ब्लॉग है, ब्लॉगर हूं मैं, फालतू नहीं बोले कोई। अबे क्या कह रही है सोनिया बनियो सुती पाई उठिया बाल खिल रहे ने देखो इसको तो कैसे खड़ा मॉडल 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 चलता देखो चलता देखो। इसकी इसकी पता कैसी रहती है, ऐसे हाथ रहेंगे जेब में ऐसे लेगा करना है एक बार चलिए वापिस भाई सब कहते तुम अपने दोस्तों का मजाक क्यों उड़ाते रहते? भाई मेरे दोस्त नहीं है, मेरे भाई हैं, और सदा पूरी जिंदगी जब तक जिंदा है ना भाई तब तक मजाक उड़ेगा ही सबका। ये तो अब लोगों मेरे को खींच नहीं रहे, ये तो बुरा हाल कर देते हैं भी जिन मूड में होते हैं। तो बता ना सबसे ज्यादा लेनी तेरी होती है भाई, एक नंबर मौसम है लोकी है ना, चल भी झाड़ी में बना ले। अरे हम तो नाराज थे भाई से, क्या बना लूं? सिंगल हूँ सोचा बंदी बना लूं यार भाई कुछ। अब सच बताऊं ना भाई, सच में सिंगल हूँ, कोई देख रही हो ना यार, फील फ्री टू मैसेज मी। साहिल मैं भी सिंगल हूँ भाई, मेरे पास ये सिंगल है भाई, कोई अगर तुम दोनों आपस में कर लो ना देखिए यार सारे पंजे मार मार के ना गाड़ी गैस तेजी मार दी यार, दूर रह करना इससे पॉइंट मार गया लड़का, पॉइंट मार गया भाई। भाई मेरे पंजे लगे पड़े तो भाई आए हैं हमारे पास दुबई से फोटो वोटो करवाने, मना सोची करवा लें थोड़ी बहुत, तुम यूं कहोगे भाई मैं घमंड आ गया फोटो नहीं करवा अजी हाँ कोई नहीं कह सकता भाई, जो भी मिलता है बहुत प्यार हो जाता उसको मेरे से। बाकी इसको देखो, अरे तू हाथ कहाँ लगा के रखता पूरे दिन? हाथ देख ये रहा यहाँ है, कहाँ है भाई ये रहा, ऐसे करिए ऐसे ऐसे भागियो एक बार चाय चाय ले लो चाय ले लो चाय 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 भाई, हम ट्रेन में गए थे ना लोकी यहीं कर रहा था वहां पे तो अलग ही आते हैं, अलग ही आते हैं भाई तेरी हजम। एक बार तो चाय लेके आ रहा भाई, आंटी के पैर पे डोल दी पूरी आंटी भग रही हुई मम्मी हुई मम्मी हुई। भाई आज तो मैं ऐसी थोड़ा फन वाला व्लॉग बनाया था, मैं ऐसे निकले थे भाई, इन भाई का ना कपड़ों का काम है, इस भाई की आईडी मेंशन कर दूंगा, किसी भाई को होल सेल में चाहिए हो या रिटेल, रिटेल में भी हो जाएगा, रिटेल में दे देंगे, रिटेल में भी एक दो पीस दे देंगे भाई, बढ़िया बाहर दुकान वाले रेट से कम में भाई, लोअर टी शर्ट जो भी चाहिए हो ना सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब निकल चुके अपने घर को, मौसम हो रहा है एक नंबर भाई, बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा है, बस यार बारिश आ जाए किस तरह यार, मक्खी घुसी अंदर यार, हम मक्खियों को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। बग बग बाहर चल, एक नंबर सेक्सी मौसम हो रहा भाई, एक नंबर ओए होए।